और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं गंगा जल की, जिसे लेकर चौंकाने वाला शोध सामने आया है। हाल ही में हुए एक रिसर्च में यह दावा किया गया है कि गंगा जल में लोगों की बीमारियों को दूर भगाने की ताकत है। असल में भारत के प्राचीन ऋषि मुनि भी वैज्ञानिक का नजरिया रखते थे और यही वजह है कि उन्होंने गंगा जल को आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने के लिए इसे धर्म से जोड़ दिया था। लेकिन अब तो डॉक्टर भी कहने लगे हैं कि गंगा तेरा पानी अमृत। हिमालय की गोद से निकली गंगा से मन ही नहीं तन भी साफ होता है। भारतीय संस्कृति में गंगा की पवित्रता और गुणों की अहम हिस्सेदारी रही है और अब इसे मेडिकल साइंस भी मान रहा है। ग्रंथों में गंगा को देव नदी कहा गया है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग किया जाता है। विश्व में गंगा ही ऐसी नदी है जिसका जल कभी बासी नहीं होता। इतने सालों बाद वैज्ञानिकों ने गंगा जल की महत्ता को पहचाना है। उनका मानना है कि गंगा जल कई तरह के इन्फेक्शन यानी संक्रमण के इलाज में रामबाण साबित हो सकता है। एम्स दिल्ली की एक रिसर्च में ये दावा किया गया है। गंगा के पानी से ही इसकी आप शुरुआत करें कि गंगा पानी कुछ 1896 में ही हो गया था और तब से अब तक इसमें काफी काम हो चुका है। यही एक कारण था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शिप जाते थे कलकत्ता से इंग्लैंड तो लगभग 3 महीने का समय लगता था और पीने का पानी वो जो लेते थे वो गंगा का पानी ही कलकत्ता तक यूज करते थे और कभी सड़ता नहीं था। तो ये गंगा की प्रॉपर्टीज बहुत पहले से नोन है। रिसर्च के मुताबिक गंगा जल में कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इंसानों के गंभीर संक्रमण के इलाज में कुछ एंटीबायोटिक से भी ज्यादा असरदार हो सकते हैं। दावा किया गया है कि कई एंटीबायोटिक यूरिन इन्फेक्शन, सर्जरी के दौरान लगे कट, फेफड़ों और डायबिटीज जैसे इन्फेक्शन में अपना असर खो रहे हैं, लेकिन दावा है कि गंगा जल इनके इलाज में असरदार साबित हो सकता है। गंगा का जहां तक सवाल है कि गंगा का पानी में जो ऐसी प्रॉपर्टी है सेल्फ हीलिंग की, ये बहुत पहले से नोन है। यदि मैं बैक्टीरियोफाज रिलेटेड ही बात करूं क्योंकि यही एम्स की रिपोर्ट आई है, तो ये 1896 में जो सबसे पहले हैंकिन है ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा था कि गंगा के पानी में कलकत्ता आदि में कहूँ स्पेसिफिकली, तो वहां से उन्होंने देखा था कोई ऐसी एक्टिविटी है जो कि जो वह है इसको कोलरा वगैरह के जो कॉज करता है पैथोजन तो उसको मार देता था। असल में एम्स दिल्ली के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट ने 4 साल पहले गंगा जल पर रिसर्च शुरू किया था। वाराणसी के अलग अलग घाटों से गंगा जल का सैंपल लिया गया था। बताया गया कि इस रिसर्च के दौरान गंगा जल में एक ऐसी बैक्टीरिया की मौजूदगी का पता चला जिससे इन्फेक्शन का इलाज किया जा सकता है। ये चीजें ये इंडिकेट करती हैं कि यदि बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं जो जिसपे ये रिपोर्ट आई है तो उस पर ये मानते हैं कि एक बहुत अच्छा एक इसमें निकलेगा, क्योंकि बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये बहुत हार्मलेस होता है, नुकसान नहीं करता, तो इसके बड़ा अच्छा पोटेंशियल है जिसमें हम लोग निकाल सकें। और मुझे खुशी होगी यदि इसमें, क्योंकि इतने टाइम से काम चल रहा है तो ये लोग कुछ ना कुछ इसमें से निकाल सकें, पोटेंशियल तो इसका है। अब उसमें से ये अप्लाइड वैल्यू इसकी कब निकल के आती है, कब वो प्रोडक्ट बाहर आता है, ये एक देखने वाली बात होगी। शोधकर्ताओं की माने तो गंगा जल में मिला नया बैक्टीरिया संक्रमण के इलाज में वरदान साबित हो सकता है, खासकर तब जब दुनिया भर में लाखों लोग संक्रमण से जान गंवा रहे हैं। ऐसे में इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। गुड न्यूज टुडे के लिए अंकित शर्मा की रिपोर्ट।